दाय संस्था करा जब तले में जी एक रोज लग जाए तो हम वो टीआई साहब के लिए घर वो हम यान सामने कि हम करा जब हमें न्याय मिल जाए तो हम अपन लाउकी हम अपन कॉलेज नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर एमपी के सीधी से आ रही है जहां एक लड़की का जबरन रेप किया गया। इसके कारण उस लड़की ने उसके साथ हुए दुष्कर्म की घटना को न सह पाने के कारण उसने खुदकुशी कर ली। मामला आज दिनांक 18/6/2022 का है जहां घटना ग्राम पंचायत रघुनाथपुर तहसील रामपुर नायकिन जिला सीधी मध्य प्रदेश की है जहां आरोपी मोहित तिवारी पिता केशव प्रसाद तिवारी द्वारा लड़की को घर में अकेले देखकर जबरन मारपीट कर मुंह को दबाकर उस लड़की से जबरन बलात्कार किया गया। इस घटना को लड़की सह नहीं पाई और लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना का जब घर वालों को पता चला तो ये थाना पहुंचे और वहां शिकायत कराया, लेकिन थाना के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए मूल निवासी संघ एवं कुशवाहा समाज संगठन एवं ग्रामीणों के साथ लड़की को न्याय दिलाने के लिए आज हत्था हाईवे को चक्का जाम किया गया एवं उसके बाद पुलिस अमला द्वारा FIR दर्ज किया गया और जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया, जब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। दाय संस्था करा जब तले में जी एक रोज लग जाए घर यान सामने हम करा जब हमें न्याय मिल जाए हम अपन लाउकी हम अपन जी जी अब जी को बात है जी जी पर हम यह नहीं देखे हम बताए पर धान तो खन नहीं रहा जैसे यह सिद्ध होती खींचतान के लेगे अंदर कृत्य करें लड़की के साथ और फिर वही मार के जो हसी बजुला जी वह तो बिल्कुल सिद्ध है। के सिवा कोई नहीं रहा तो लड़की के साथ कृत्य के बाद मार के पास ही सकरी भीतर से भी हां आगे बिटिया पाने से ही सब का रहा तो सकरी ना बंद रहा सकरी अंदर से बंद रही सकरी अंदर से बंद रही अंदर से बंद मारे शर्म के मारे शर्म के हां 14 साल का लड़का देखी जब